तो मैं रिलेशन निकालना चाहता हूँ वी और ओमेगा का नेक्स्ट टॉपिक में। कोई बॉडी जब चलेगी उसके बाद वी भी होगा ओमेगा भी होगा, घूमने की वेलोसिटी ओमेगा और लीनियर जाने की टेंजेंशियल वेलोसिटी उसके पास वी है। तो मान लेते हैं कि बॉडी सर्कल में चल रही है और मान लो किसी भी पॉइंट पर वो ए से ए पे थी और थोड़ी देर के बाद वो कहाँ पे आ गई, वो बी पे आ गई। चलो ये रहा बी वेक्टर या ये रहा बी पॉइंट और ये सेंटर सी कवरिंग एन एंगल ऑफ कितना डेल्टा थीटा, और यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा डेल्टा टी। सही है डेल्टा टी, कोई डाउट इसमें? अब ये बताओ कि अगर मैं इसमें ये जो वेक्टर है इसका नाम अगर आर वन वेक्टर रखूं और इसका नाम आर टू वेक्टर रखूं, ये सही है? या मैं ऐसा करूं इस वेक्टर का नाम आर वेक्टर, ये रेडियस है, और इसका नाम भी आर वेक्टर क्योंकि ये भी रेडियस है, फर्क नहीं पड़ता। बोलो ये आर वन वेक्टर आर टू वेक्टर लिखना चाहिए कि आर वेक्टर भी चल सकता है? आर वेक्टर कितने लोग बोलते हैं चल सकता है, और कितने लोग बोलते हैं आर वन वेक्टर आर टू वेक्टर ही चलेगा? तो ठीक ही तो है ना, ऐसा क्यों बोल रहे हो? डायरेक्शन भाई, आप कैसे बोल सकते हो आर वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड आर टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर है? भाई वैल्यू आर है ना, लेकिन आर वन वेक्टर आर टू वेक्टर की डायरेक्शन थोड़ी ना सेम है। और दो वेक्टर सेम तब माने जाते हैं जब उनकी वैल्यू के साथ उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, लेकिन ये डायरेक्शन सेम नहीं है तो तुम्हें वन और टू लिखना ही पड़ेगा। समझ में आया यहाँ तक? तो तुम आर वेक्टर ऐसे कैसे हो सकते हैं कि एक पॉइंट पर आर वेक्टर भी इधर, भाई ये दो डायरेक्शन कैसे होगी आर वेक्टर की? एक ही डायरेक्शन एक ही टाइम पे हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये दो पॉइंट्स आ गए। अब कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि अगर मैं इन्हें ज्वाइन कर दूँ, देखो मैं थोड़ा टेढ़ा दिखा रहा हूँ लेकिन एक्चुअल में दिस इज वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल, बहुत छोटा इंटरवल है, तो ये वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाय डेल्टा आर वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर। कितने लोगों को ये तीन वेक्टर को देख के वेक्टर का टॉपिक याद आ रहा है? और बोलो कौन कौन से वेक्टर याद आ रहे हैं? कौन सा पैरेललोग्राम तो नहीं बना इसमें? नेक्स्ट ट्राइंगल लॉ तो दिख ही रहा है, लेकिन कुछ और स्पेशल वेक्टर, इनका नाम क्या है? इन तीनों पॉलीगन कैसे, तीन से ऊपर वेक्टर ये पॉलीगन क्या करोगे? ये तो बिल्कुल भी नहीं। और कौन सा इक्विलिब्रियम तो है ही नहीं, नेट फोर्स जीरो है ही नहीं, तो इक्विलिब्रियम कैसे है? इक्वल वेक्टर है ही नहीं क्योंकि कोई वेक्टर तो इक्वल है ही नहीं है। टाइप ऑफ वेक्टर याद करो, ये स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर्स हैं, याद करो। सारे बोल दिए ये, हाँ ऐसा डायग्राम भी बना करता था। और अच्छा ध्यान से देखना, आपको अब दिखेगा। ये देखो, सपोज करो ये आपका वाई एक्सिस, आप ड्रॉ नहीं करना, ड्रॉ नहीं करना, ये आपका वाई एक्सिस है, इमेजिन करो सिर्फ दिखाने के लिए, ड्रॉ नहीं करना। ये आपका एक्स एक्सिस है ए, और ये मान लो ओरिजन है, ओरिजन से ए पॉइंट के वेक्टर को क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। और ये ए वेक्टर का क्या है? पोजीशन वेक्टर। और फिर पोजीशन क्या हो गई? बी। और ये क्या बन गया? आर टू वेक्टर बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ओरिजन से जो चलते हुए वेक्टर्स हैं सारे पोजीशन वेक्टर्स हैं, क्योंकि ये वेक्टर भी ओरिजन से है, ये वेक्टर भी ओरिजन से है, और ये वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डेफिनेशन याद कर लो, कॉपी चेक कर लो वेक्टर की। मैंने बताया था हम यूज करेंगे आने वाली फिजिक्स में पोजीशन वेक्टर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, याद आ रहा है? ऐसी कुछ डायग्राम बना करते थे, कोई डाउट इसमें? चलो इन्होंने केस नहीं भी याद कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। अब इसके अंदर किसी को माइंड में ये क्वेश्चन आया कि सर आपको कैसे पता लगा? मेरे को दिखाई नहीं ये पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मेरे को तो दिखे नहीं। चलो कोई बात नहीं, दिखे। चलो ये मुझे पता लग गया कि आप आर वन वेक्टर आर टू वेक्टर यूज कर रहे हो, आपको ये कैसे पता लगा कि ये डेल्टा आर वेक्टर है? आप इसका नाम कोई एक्स वेक्टर पी वेक्टर क्यू वेक्टर भी तो रख सकते थे, आपने डेल्टा आर वेक्टर ही कैसे पता लगा आपको? क्योंकि एक तो मेरे को याद है कि भाई ये पोजीशन वेक्टर्स हैं तो डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही होगा, एक तो मेरे को वेक्टर का कॉन्सेप्ट याद है। तुम्हें नहीं याद कोई बात नहीं, तुम ऐसे सीख लो, अगर तुम इसमें ट्राइंगल लॉ लगाओ रिजल्टेंट कौन बनेगा? क्लोजिंग साइड, क्लोजिंग साइड कौन है? आर वन वेक्टर आर टू वेक्टर कौन? नाम बोलो आर टू वेक्टर। क्यों? ये क्लोजिंग साइड है। तो इसमें आर टू वेक्टर इज इक्वल टू आर वन वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर। तो डेल्टा आर वेक्टर क्या है?
आर टू वेक्टर माइनस, तो आपको मानना पड़ेगा कि मैंने ठीक लिखा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर के चेंज को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? सिर्फ आपको समझाने के लिए कि घर जाके आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि मुझे कैसे पता लगा डेल्टा आर है, इसका नाम तो कुछ और भी हो सकता था। तो इसलिए क्योंकि चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर है। कोई डाउट इसमें? ये भी सही है यहाँ तक? ठीक है, चलो आपको समझाने के लिए था, ये चाहिए नहीं है मुझे। अब मुझे ये बताओ कि ये एक सर्कल का सेक्टर है, देख रहे हो सेक्टर है, और आपने एक फॉर्मूला सुना हुआ है, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, सुना हुआ है? तो उस सेक्टर में एंगल कितना है बोलो, डेल्टा थीटा, आर्क कितना है, डेल्टा आर, डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, तो आर्क की वैल्यू क्या है, डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड। क्योंकि आपको कि सर आर्क तो टेढ़ी है, पर मैं कह रहा हूं इंटरवल बहुत छोटा है, बहुत छोटे में ये बस यही बनने वाला है डेल्टा आर। जब बहुत बड़े सर्कल में बहुत छोटा पोजीशन लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो वो स्ट्रेट ही बनेगा। तो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय रेडियस क्या है बोलो इसका, आर वन की आर टू, आर, क्योंकि आर वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या है आर, आर टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या है आर, तो डिवाइडेड बाय आर लिखो। ये स्टेप क्लियर है यहां तक? डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय बाय आर। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अब एक काम करते हैं इसमें, ये लो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा थीटा इंटू आर। अब ये बताओ ये जो मोशन है, इस मोशन को हम कैसे स्टडी करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या यूज करते हैं, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी। ये स्टेप क्लियर है? एस इज इक्वल टू वी टी, एस की जगह क्या डेल्टा थीटा, और वी की जगह क्या ओमेगा, टाइम की जगह डेल्टा टी, तो लिख सकते हैं इसमें। तो यहां से डेल्टा थीटा को रिप्लेस करने जा रहा हूं मैं, डेल्टा आर वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी इंटू आर, लिख लो। तो रिप्लेस कर दिया इसमें, ठीक है यहाँ तक? ये रिप्लेसमेंट हो गई। अब मैं डेल्टा टी को इसके नीचे लेके आ रहा हूँ, डेल्टा आर वेक्टर का मॉड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, या आर इंटू ओमेगा, सही? अब मुझे ये बताओ जो सर्कुलर मोशन में ड्राइवर सच में गाड़ी चला रहा था, वो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेगा लोगों को, कितनी है डेल्टा आर, वो कभी नहीं बोलेगा ओमेगा। जो सच में गाड़ी चला रहा है उसको थोड़ा पता सर्कल में घूम रहा है, तो सीधा जा रहा है डेल्टा आर, और डेल्टा आर बाय डेल्टा टी वो क्या बोलेगा, उसकी वेलोसिटी क्या है वी। यहां पर डेल्टा आर बाय डेल्टा टी क्या सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, इसकी जगह क्या पुट कर लेगा वी, तो वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। और वेक्टर मत पुट करना क्योंकि मैग्नीट्यूड चल रहा है, ये वेक्टर में ही खेल खेल रहा मैं, स्केलर है, सही है? तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, फॉर्मूला रजिस्टर में एंट्री कर लो इसकी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये रिजल्ट बहुत यूज होगा। जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमेगी, आपको ओमेगा गिवन हो तुम v निकाल सकते हो, और तुम्हें v गिवन हो तुम ओमेगा निकाल सकते हो, क्या सही फॉर्मूला है? तो तुम v पूछ के ओमेगा, ओमेगा पूछ के v, बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। इस फॉर्मूले को नोट कर लें प्लीज फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर।